नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी हेल्प के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग विनिंग ट्रिक। जी हां, अधिकतर लोग यूट्यूब में यही सर्च करते हैं कि ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग कैसे जीतें और हमारी विनिंग ट्रिक जो यहां पर चांसेस हैं वह काफ़ी ज़्यादा रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ड्रीम इलेवन में आप विनिंग कैसे कर सकते हैं, ड्रीम इलेवन में आप लोग ग्रैंड लीग कैसे जीत सकते हैं, उसकी विनिंग ट्रिक क्या है मैं आपको बताऊँगा। और कुछ मैं आपको ऐसे स्टेप बता दूँगा कि अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो आप, मैं 100% आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जब तक आप अपने से स्टार्ट नहीं करेंगे वो नहीं होगी। तो आपको ही कहीं ना कहीं शुरुआत करनी। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता दूंगा कि अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे और आप अपने से उस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो पक्का है यहाँ पे 100% आप उस ग्रैंड लीग को जीत लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जैसे कि आपको मालूम होगा, मैं आपकी ही बात करूं, दूसरे की बात छोड़िए, अगर मैं आपका ही एग्जांपल लूं तो आप लोग ड्रीम इलेवन जैसे ही ओपन करते हैं, ग्रैंड लीग पे आपको लगाना होता है, तो आप लोग क्या चूज़ करते हैं? जाहिर सी बात है, आप और आप में से लगभग 70-80% लोग क्रिकेट ही चूज़ करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप ही पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो आपसे क्रिकेट चूज़ करते हैं? जी नहीं, आपकी तरह करोड़ों लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं। मैं पूरी बातें क्लियर कर दूंगा, आप बस सुनते रहिए मेरी बातों को। अगर आप लोग ड्रीम इलेवन में आपको ग्रैंड लीग जीतना है तो आप लोग आके ड्रीम इलेवन सबसे पहले आप क्रिकेट में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्रिकेट में ही आप लोग यहाँ पर टीम बनाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही मिस इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि आपको मालूम होगा, जिस प्रकार से आप सोचते हैं उसी प्रकार से आप, एक तरह करोड़ों लोग हैं वो भी ड्रीम इलेवन में आते हैं, जब उनको ग्रैंड लीग जीतना होता है तो वो भी यहाँ पे क्रिकेट को ही चूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे कंपटीशन भी कम होगा और आपको जीतने के चांसेस 90-100% बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है। अगर आपको वाकई में ग्रैंड लीग जीतना है और आप लोग सीरियस हैं, आप लोग वाकई में ड्रीम इलेवन से पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, तो आपको पहली बात सबको फॉलो करना बंद करना होगा कि आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आपका जो कंपटीटर है वो क्या कर रहा है, आपको नहीं देखना है। आपको अगर ग्रैंड लीग जीतना है तो आप क्रिकेट के बजाय मेरी सजेशन में बास्केटबॉल में टीम बनाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंपटीशन बहुत कम है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पिच की टेंशन नहीं रहेगी कि पिच रिपोर्ट कैसे क्या रहेगी, यहाँ पे आपको प्लेयर की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है, कोई कन्फर्म नहीं होता है, कोई प्लेयर एक रन बना के आउट हो जाए, दो रन बना के आउट हो जाए, या तो जीरो पे ही आउट हो जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, क्योंकि ये सब जो फैक्ट्स हैं ये रियलिटी में है, रेयर हैं, काफ़ी रेयर फैक्ट है। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान से सोचना है अगर आप वाकई में जीएल ट्रिक विन करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप ड्रीम इलेवन में आज काफ़ी सालों से या काफ़ी महीनों से परेशान हैं और आप टीम बना रहे हैं लेकिन आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे भाई इसमें आपकी ही कमी है, आप गलत फील्ड पे आप टाइम दे रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, मैं आपकी ही नहीं, किसी भी बंदे की बात करूँ, जब वो ड्रीम इलेवन में जीएल यानी कि ग्रैंड लीग जीतने आता है या उसके बारे में वो इसमें टीम बनाने आता है, तो सबसे पहले क्रिकेट को ही अपना सहारा बनाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आप लोग इसमें जीतने के चांसेस आपके 5-10% है, बाकी आपका पैसा डूब जाएगा। तो आपको क्रिकेट के बजाय यहाँ पे आपको बास्केटबॉल में अपना फ्यूचर आजमाना है। आप मेरी इस आज की वीडियो के माध्यम से आज से ही अपने क्रिकेट की फील्ड को छोड़ के आप एक बार या दो बार आप बास्केटबॉल में अपनी किस्मत को आजमाइए, क्योंकि वहाँ पे जितना इसमें ज़्यादा लफड़ा होता है क्रिकेट में, वो चीज़ें उसमें नहीं होती हैं और आपके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। क्योंकि बास्केटबॉल में जो उसका काम करने का तरीका, जो उसमें प्लेयर जिस प्रकार से उसमें प्ले करते हैं, जिस प्रकार से उसको ऑथराइज किया गया है, वह काफ़ी डिफरेंट है अगर कंपेयर करें क्रिकेट से। क्रिकेट में सभी लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, क्रिकेट में क्या होता है, सभी लोगों को इंटरेस्ट रहता है। तो जो लोग ड्रीम इलेवन ओपन करते हैं उनको बस एक ही चीज़ दिखता है, भैया क्रिकेट में ही कमाना है, क्रिकेट में ही है, क्रिकेट ही सब कुछ है, जो कि गलत है। क्रिकेट के बजाय आपको बास्केटबॉल में जाना है। आप लोग एक बार मेरी बात मान के आप लोग जाइए, उसमें आप लोग टीम बनाइए, फिर आप देखिए अगर आपको वाकई में जीएल आपको विन करना है, आपको ग्रैंड लीग जीतना है, तो आप एक बार बास्केटबॉल में भी आप लोग किस्मत आजमा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आप लोग चैनल को फैंटेसी हेल्प को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं ऐसे ही डेली अपडेट करता रहूंगा और आपको मैं बताता रहूंगा कि आप कैसे ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं।